सो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज जो होने वाला है डॉन वर्सेस डी के हंटर अगेन होने वाला है, क्योंकि क्वार्टर फाइनल में ये सारी टीम सेलेक्ट हो गई है। तो काफी सारी टीम सेलेक्ट हुई है, जिसमें रैप्टर्स है, टीम सॉरी रूल्स ब्रोकर्स है, ब्रीगर्स सॉरी, और डॉन है, और डार्क नाइट है, और सॉरी डार्क नाइट है, एक मिनट नाम देख लेते इसका, एक तो मुझे नाम याद नहीं होता गर्ल का, डार्क नाइट ही होगा आई थिंक डी के, तो डार्क नाइट, ओके तो डार्क नाइट के हमारी तरफ से वही हंटर और बॉस भाई आए हुए, दोनों का ओपी गेम प्ले होता है। हाउ मच टाइम वो तुम लोगों को पता ही होगा, डोन वाले कितना टाइम लगाते, तो एक घंटा लग जाएगा, तो मिलते हैं एक घंटे बाद। फाइनली मैच स्टार्ट हो गया और हमारे आलोक के चाचा जी अभी हमारे सामने खड़े हुए, चाचा ही लग रहे हैं ना आलोक ओके तो डॉन की तरफ से लेजेंड 2 आया और लेजेंड FF आया है, यार इसका नाम मुझे काफी अजीब सा लगता है, और हंटर और बॉस भाई दोनों ओपी ड्रेस में आए। तो याद है पिछली दफा हंटर और बॉस की दोनों की एक ही ड्रेस थी और काफी अजीब सा पहचानने में नहीं आ रहा था, तो आज भी कुछ वही सीन है। मैं सबसे पहले वॉल्यूम कम करता हूँ, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर वॉइस बिल्कुल भी मेरी नहीं आती, तो देखते हैं। ओ भाई ये क्या कर रहा है, ये कर क्या रहा है, इसको वन टैप पड़ेंगे वन टैप कौन मारेगा, ये मार सकता था हंटर वन टैप। ओके तो भाई लेजेंड 2 का नेट चलो आ गया, फाइनली आ गया ना ये, एक मिनट ये हर बार वो चेंज क्यों हो रहा है कैमरा, ये देखो चलो भाई फाइनली लेजेंड 2 का नेट आ चुका है, काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ है, और भाई सामने से हंटर भाई हमारे दिख रहे थे वहाँ से। ओके तो गाइस कौन जीतेगा इस मैच में, क्या लगता है, मुझे लगता है इस वक्त डॉन वाली टीम जो है इतना मूड में नहीं है, क्या पता, लेकिन ज़्यादातर डॉन की टीम ही जीत रही है। ओके हाँ, और योटो किलर्स की टीम भी क्वार्टर में सेलेक्ट हो गई है आई थिंक, मैंने देखा तो था नाम याद नहीं आ रहा सही से, अभी तक किसी की भी फाइट नहीं हो रही, सारे गुमनाम पड़े हुए, इतना सर्वाइव कैसे कर लेते हो यार, टूर्नामेंट में वाकई में इतना सर्वाइव किया जाता है मैं एक दफ़ा ये खेला था सब भी सर्वाइव, एक दफ़ा नहीं मतलब जब भी मैंने खेले थे 3-4 मैंने टूर्नामेंट खेले, बट आज तक सर्वाइव नहीं हो पाया। ओ भाई ओपी हेड, किसको, लेजेंड 2 को पड़ा, ओ भाई दोनों को हेड मार दिया हंटर, ओ भाई क्या कर रहा है भाई आराम ना यार हंटर, तो दोनों को ले गया ओ भाई वाडी शेर है, 500 का डैमेज दे चुका है बंदा एक राउंड में, लॉल भाई ओपी, और वो भी सिर्फ छोटी सी गन से, क्या बात है, ओनली हेड, नाइस यार बहुत ओपी हेड मारा, कातिल वाला फीलिंग आई, अब कातिल वाला, अगर तुम लोगों को पता नहीं है कातिल कौन है तो जाके ओल्ड वीडियोस देखो मेरी। ओके तो हंटर भाई हमारे थोड़ा सा वॉल्यूम टेस्ट कर लेता हूँ, मुझे भी वॉल्यूम की आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल भी, तुम्हारे को कैसे आई है फिर। ओके बॉस भाई नीचे से कवर दे रहे और हंटर भाई ऊपर से कवर दे रहे, सामने से लेजेंड दोनों आ चुके और भाई वन टैप मारने की पूरी कोशिश, और 669 का डैमेज दिया यहाँ पे हंटर को, लेजेंड भाई हमारे साइड से कवर दे रहे, और वो भाई भाई कतई असेसियन ग्रेड बना हुआ है बंदा देखा था यार क्या ओपी बंदा कैसे भागे जरा ग्रोल में से, वो भाई ओपी यार, वो भाई यहाँ पे अच्छा खासा डैमेज मिला लेजेंड को भी और दूसरे लेजेंड को भी, लेजेंड एफएफ को भी मिला, लेजेंड को भी मिला, तो एक का नाम एफएफ रख लेते, एक का नाम लेजेंड रखते थे तभी समझ आ जाएगा। ओके तो हंटर भाई हमारे लेजेंड को एम करके बैठे हुए, लेजेंड एफएफ सॉरी, और भाई उसको क्या ओपी डैमेज, सिर्फ 13 की हील रह गई भाई, क्या हेड मार रहा है ये बंदा, और भाई बॉस को बहुत ज़्यादा डैमेज दिया लेजेंड 2 ने, और लेजेंड 2 की भी हील बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर कर दिया नॉक, तो लेजेंड 2 को फाइनली यहाँ पे नॉक कर दिया, लेकिन पीछे से बंदे ने हेड मार दिया आई थिंक, रुको जरा देखने दो हेड मारा है कि नहीं, और भाई वहाँ से नीचे हंटर भी नीचे उतर गया और उतर के रिवाइव कर दिया, भाई तुझे चाहिए लेजेंड को भी रिवाइव दे दी जल्दी से, ओ भाई लेकिन रिवाइव देने नहीं दिया, बॉस ने पूरा कंप्लीट कर लिया और लेजेंड की लाइफ पूरी कम बची, और भाई यहाँ पे हंटर ने उसको खत्म कर दिया, ओपी नाइस गेम प्ले बहुत आला, दोनों टीम वेल डन यार क्या परफॉर्मेंस कर रहे हो तुम लोग, डॉन वाले थोड़े लो पे डाउन पे जा रहे काफ़ी, वेल डन यार वेल डन मुझे उस गोंचे की याद आ गई ओके तो तेरी वाली गन की स्किन तो बड़ी प्यारी लगती है लेकिन चलाने में अच्छी नहीं है, ओ भाई ओ भाई ओ भाई ये क्या क्या कर रहा है यार ये क्या कर रहा है। ओके रश हो गया डायरेक्ट, हंटर तो सीधा निकला भाई डेविल, ओ भाई सामने बंदा मिल गया लेजेंड 2, हाँ लेजेंड 2 है, ग्लोबल के स्टाइल से पता लग गया यार जानते हैं हम, और भाई बॉस को डैमेज दिया था इसने, लेजेंड पीछे से उछल उछल के डैमेज दे रहा भाई, हंटर ने यहाँ पे ग्लोबल लगा लिया ताकि डैमेज ना हो, और बॉस भाई हमारे पीछे से कवर दे रहे तो लेजेंड वहाँ से आएगा देख के वहाँ पर सॉरी हेडशॉट पड़ेंगे कि नहीं, और भाई ओ भाई सामने भी ओ भाई हेड दिया डायरेक्ट नहीं, और भाई पीछे से ओ यार किस इतनी जल्दी मार रहे हो यार ओपी यार, डार्क नाइट अभी बहुत ओपी गेम प्ले दिखा रहे यार, बॉस और हंटर पूरे फुल मूड में आए हुए लगते हैं, सही वाली प्रैक्टिस करी इन लोगों ने, तो बहुत ओपी गेम प्ले दिखा रहे यार ओपी नाइस, तो यहाँ पे हमारे भाई लेजेंड एफ एफ ने फिर से वही
की हरकत है यार, ये क्या ग्लिच है। पूरी शॉटगन ले ली यार। लॉर्ड यार, ये फिर से हर बार क्यों यार, हर बार हर मैच में एक ना एक पे ग्लिच हो जाता है। तो इस बार FF के इरादे सही नहीं है वो देखो। ओके लेजेंड भाई हमारे राइट साइड से अटैक करने पे, और बहुत भाई हमारे बीच में से जा रहे हैं। ओके बाकी इनका क्या सीन है, FF को देखो। इसके सामने आई थिंक हंटर है, नहीं कोई भी नहीं है, बॉस का है। ये दोनों तो उस तरफ है भाई, इनको पता भी नहीं है कि इनके पीछे से आ रहे हैं वो लोग, शायद देख लिया उसने। कुछ जरा माइक ऑफ कर लेते हैं। ओके तो बॉस यहाँ पे किसको देख रहा है, आई थिंक देख गया, लेजेंड को पता लग गया। हंटर ने सॉरी बॉस ने के लिए वो लग, यार वहाँ पे ओ लड़ाई हो गई यहाँ पे, आई थिंक शॉट पड़े, नहीं भाई डैमेज नहीं हुआ। तो लेजेंड पूरा एम करके बैठा हुआ वहाँ पे, और हंटर ने शायद डैमेज दिया लेजेंड ने उसको, नहीं हाँ डैमेज दिया था, थोड़ा सा रिकवर हो गया। और भाई OP गेम प्ले दिखा रहा है भाई बंदा पूरा, और हंटर हो भाई स्पीड चेक करो यार बंदे की, नाइस यार बहुत हार्ड, दो दो ग्लू वो लगा रहा है एक एक उसमें प्लेयर है क्या। ओ भाई ये ग्लू के पीछे से कैसे डैमेज दे रहा है वहाँ पे, बहुत क्या कर रहा है। और बहुत भाई अच्छा खासा डैमेज दिया लेजेंड एफ को, लेजेंड एफ नॉक हो गया, लेजेंड टू रहता है, देखना ये है कि लेजेंड टू मार पाएगा हंटर और बॉस को, मुझे नहीं लगता क्योंकि भाई दोनों स्क्वाड बहुत तगड़ी, ये दोनों प्लेयर्स बहुत तगड़े हुए हैं, अलग ही मूड में आया हुआ है बंदा भाई। हंटर की तो बात ही ना करो, वो बंदा और भाई लोकेशन शो करवा दी यहाँ पे हमारे लेजेंड टू भाई ने, और भाई यहाँ पे कर दिया नॉक हंटर को, और बॉस रहता है यहाँ पे, लेट्स सी गाइस बॉस को मार पाएगा कि नहीं। हंटर को यहाँ पे कर दिया पूरा क्लियर भाई, और क्लियर ही हो सकता है अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। और भाई बॉस यहाँ पे जोन से मरने के रहता है कि चल भाई आगे निकल। ओके भाई तो भाई पूरा एम करके बैठा हुआ यहाँ पे लेजेंड भाई हमारे बॉस भाई को, और बॉस भाई भाई ग्लू लगा लगा के आगे जा रहे हैं, और भाई हेड शॉट से यहाँ पे खत्म कर दिया भाई, दोनों को मार दिया यार लेजेंड टू ने। OP यार नाइस गेम प्ले। इसी तरह लेजेंड हमारे डॉन को स्क्वाड डो क्या बोलेंगे यार, डॉन की टीम हमारा एक राउंड यहाँ पे जीत चुकी है, और तीन राउंड यहाँ पे डार्क नाइट वाले जीत चुके हैं यार। दोनों की परफॉर्मेंस अलग ही लेवल की है यार। ओके गाइस तो इसी तरह हमारे जो पांचवा राउंड स्टार्ट हो चुका है, और पिंग मेरी कितनी सोनी सोनी पिंग चल रही है देखो जरा। हाय नहीं तुम लोग मत देखो, नजर लगाते हो बगैर तो फिर 250 पे पहुंच जाती है। ओके तो भाई दोनों FF कॉफ, नहीं क्या नाम है, FL कॉप। ओके ये अच्छा एक में, ओ सही है, ये बीच में जो डॉट वो दिखाया है मतलब ये होगा जो मेरे दिमाग में आया तुम्हारे दिमाग में भी आया है। ओके तो यहाँ पे हंटर भाई पीछे से आए, और भाई नॉक हो गए। मैंने तुमसे बोलने वाला था हेड दिया, लेकिन भाई यहाँ पे लेजेंड ने लुड़का दिया हंटर को। तो भाई जादू चलता है लेकिन ज़्यादा नहीं, ड्रोन के सामने नहीं चल सकते इतना जादू। ओके तो अब देखना यह है कि बहुत भी लेजेंड की तरफ परफॉर्म दिखाएगा, परफॉर्मेंस करेगा जैसे लेजेंड टू भाई ने हमारे हंटर को भी और बॉस को भी दोनों को ख़त्म कर दिया था। तो बॉस भाई हमारे उसके पीछे बैठे हुए, लेकिन लोकेशन शो करवा दी फाइनली उन लोगों को, पता लगे लेजेंड भाई सॉरी बॉस भाई कहाँ पर है, आप लोग अलर्ट हो गए थोड़े से डॉन वाले। तो भाई पहले मेडिकेट लगा दो ऐसे भाई, आगे जाना फिर। और भाई यहाँ पे OP वैसे हुआ क्या, जो मैं OP बोल रहा हूँ यार, आज कसम से बिल्कुल कमेंट्री का मूड नहीं है तुम लोग, बस गेम प्ले। ये क्या किया, क्यों OP हेड मारा यार, मैं हेड क्यों नहीं देखता, अब मैं एक्सपेक्टेड इन दोनों को ही रखूंगा। OP हेड मारे बॉस के 5 किल हो गए, ओ सॉरी हंटर भाई के 5 किल हो गए यार। OP छठा राउंड स्टार्ट हो चुके गए, लेजेंड FF के 2 किल हो गए, लेजेंड 2 के 2 किल हो गए, और बॉस के भी 2 किल हो गए भाई, यानी टॉप पे चल रहा हंटर भाई यहाँ पे हमारे। और जो है इस ये वाला राउंड भी डॉन जीत चुके, नाइस यार। देखना ये है कि ये वाला राउंड कौन जीतेगा, क्या बराबर करेंगे या फिर 4 पे पहुंच जाएगी डार्क नाइट। भाई कपड़े, ये कपड़े ऐसे क्यों अजीब से, इसकी ड्रेसिंग अजीब सी होती है देखो, रोबोट टाइप थोड़ी सी, ऊपर से चाइनीज बना हुआ है नीचे से रोबोट बना हुआ है। और ये इन लोगों को स्ट्रीट बॉय के बंडल इतने पसंद क्यों है, देखो इसने भी और इन लोगों ने, आई थिंक ये शूज नहीं पहन सकते, पूरा कवर है इनका। ओके तो ऊपर से शॉर्ट गन से तो हेड लगने नहीं वाला, तो फिर क्या करोगे, आई थिंक रिजल्ट ही कर। ओ भाई इसके पास कौन सी है, MP40 और 2 गोली शॉर्ट गन। चलो तो भाई यहाँ से इतनी दूर से ग्लू होल फाड़ दी भाई बंदे ने। बॉस भाई अभी क्या कर रहा है यार ये बंदा, एक तरफ वहाँ से कवर दे, एक तरफ वहाँ से, ताकि वरना एक तरफ से भी अगर, ओ भाई ये ऊपर चढ़ रहा है तू जोन, फिर कहाँ पे, हाँ जोन तो हमेशा बीच में ख़त्म होता है ना। ओहो गया, ओ भाई शॉट का डैमेज हुआ, इससे पहले ग्लू होल ख़त्म हो जाए जल्दी से चढ़ लो भाई। आप लोग भी टेक्निक देख लो, आजकल ऐसी चल रही है, सही है, तुम लोग भी ये करा करो। वो देखो बंदा कैसे चल रहा है, और अगर गिर गया फिर से गिर गया, लेकिन इस बार इतनी हील जाए नहीं हुई, ओनली 20 हील। बॉस यहाँ पे क्या कर रहा है, बॉस ग्लू वॉल लगाया जा रहा है और वो तोड़े जा रहा है, बोरिंग गेम प्ले चल रहा है भाई। इसको डैमेज भी मिल गया यार, लॉल ऊपर से डैमेज बॉस दे रहा है, आई थिंक हाँ बॉस ही दे रहा है।
और ये अभी तक भाई मेहनत करने में लगा भाई, भाई कब चढ़ेगा, आधा घंटा लग जाएगा मुझे। ओ भाई फिर से गिरते गिरते बजिया कितनी मेहनत करेगा यार बंदा लोल भाई मुझे नहीं लगता आज के दिन चढ़ पाएगा वो। देखो जोन वहां से स्टार्ट हो चुका है और भाई फाइनली बंदा चढ़ गया, नाइस भाई फाइनली। ओ भाई जोन के अंदर चले गया और मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है जोन से मर जाएगा ये, क्या लगता है तुम लोगों को? नहीं जोन काफी देर से आएगा भाई, जल्दी ओ नीचे कूद गया। ओ नो लोल यार क्या किया ये अपने साथ ही। ओ भाई ये भी मरेगा। ओ भाई ओपी भाई, हील देखो उसकी कितनी कर दी, सिर्फ 90 की। ओ भाई गया, नहीं बस गया यार, 60 की एचपी रह गई। हंटर अब खुदेगा नीचे, नाइस अच्छा कवर लेके नीचे खुदा और भाई रश कर दिया डायरेक्ट। बॉस ऊपर से वो कर रहे हैं, आई थिंक बॉस को मेडिकेट पकड़ा के आए। और भाई देखो जरा हंटर भाई फुल मूड में, और भाई यहाँ पे कर दिया दोनों को खत्म, दोनों को नहीं एक ही को मारा वैसे, लेकिन बहुत ओपी। नाइस 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 नाइस, तो हमारा जो है सातवां राउंड स्टार्ट हो चुका है। हंटर भाई के 6 किलो हो गए क्योंकि भाई इन्होंने जो नमूना कारनामा अंजाम पेश किया है हमारे सामने अलग ही लेवल का था। बहुत कोशिश करी इन्होंने लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया, लॉल था बट अच्छा था। ओके तो यहाँ पे सातवां राउंड स्टार्ट हो चुका है। मेरी उर्दू को क्या हो गया यार, मैं जब से इंडिया सर्वर में गया हूँ ना मेरी उर्दू चेंज हो गई है, मतलब बोला नहीं जा रहा यार कसम से, बिल्कुल भी इतना नहीं बोलेगा। ओ भाई ओहो कैसे है, और भाई तेरी ग्लोबल महान है, मरवा दिया तूने अपने साथी को। बॉस भाई तुम तो रहने दो, तुम सो रहे होते हो, तुम्हें पता भी नहीं है क्या हो रहा है इस दुनिया में। तो लेजेंड भाई एक एक ग्लोबल लगा। ओ भाई अबे यार ये बंदा क्या कर रहा है, लाइक तो बनता है इसको, दिया हुआ मैंने ऑलरेडी, लेकिन मुझे और लाइक देना है यार इसको, कसम से क्या ओपी गेम प्ले दिखा रहा है यार ये बंदा। नाइस यार हंटर बहुत आला परफॉर्मेंस यार, 5 गेम ले गए ये डार्क नाइट वाले। डॉन वाली जो है टीम्स काफ़ी डाउन पे जा रही है लाइक, क्योंकि डार्क नाइट वाले इस बार फुल मोड में आए हुए। बॉस कुछ कर भी नहीं रहा भाई, हंटर ही दोनों को मार रहा है, 3-4 का फेस बंदे ने अकेले दोनों को संभाल लिया। तो देखते हैं इस बार क्या होगा, वैसे भी बाजी पलटने का आखिर में डॉन का ही काम होता है, तो देखते हैं बाजी पलटेगी या फिर बाजी कर बाजी को ले जाएगा। घटिया जोक तो माने। ओह दो में सही कमेंट्री नहीं होती, उसकाड होता है ना तो मज़ा भी आता है गेम प्ले देखने में, दो में तो मज़ा नहीं आता। स्क्वाड में जो है ना स्पेक्टेटर करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, दो में भाई समझ में भी नहीं आता किस पे करें। बस मैं तुम लोगों को गेम दिखा सकता हूँ, ज़्यादा नहीं बोल सकता। और भाई यहाँ पे डैमेज देते देते रुक गया बॉस को, कितना डैमेज दिया वो भाई, अच्छा खासा 60-70 का डैमेज दिया था मैंने। हंटर भी किसी को डैमेज दे रहा था लेकिन हुआ नहीं, दोनों की हील फुल है। 20-20 और सॉरी 200 आई थिंक सामने बंदे, हाँ दोनों ने दोनों तरफ से कवर किया भाई, एक ने राइट से एक ने लेफ्ट से, एक भी कवर खराब। ओ भाई हंटर को क्या डैमेज पड़ा है, ओ भाई इसको भी डैमेज मारा है यार दोनों ने, एक ने उसको मारा एक दूसरे ने उसको मारा, मतलब तू मेरे को मारेगा तो मैं भी तेरे को मारेगा। और वहाँ पे लड़ाई स्टार्ट हो गई है, लड़ाई मिस ना कर दे गलती से भी, हेड मिस हो जाते बहुत दफ़ा। ओ भाई ग्लोबल नाइस, और भाई वो वहाँ से हेड मार बाहर। ओ यार ये कैसे एमुलेटर, ओ भाई ओहो ओपी हेड के साथ नॉक कर दिया यार, लेकिन रिवाइव करो, हाँ पहले रिवाइव करो। उसने भी चार तरफ ग्लोबल लगा के रिवाइव कर दिया, इसने भी दोनों तरफ रिवाइव चल रहे। अब यहाँ पे ये हील करेंगे और वो देखो यार जो इधर हो रहा है वो इधर हो रहा है, और बॉस को ओपी डैमेज के साथ जो है यहाँ पे आधी हील उसकी ले गया बंदा। ओपी भाई ओपी परफॉर्मेंस दोनों की, दोनों स्क्वाड एक जैसे। ओ एक मिनट हेलो कैसे मजाक चल रहा है, मतलब मार भी दिया और पता भी नहीं गया, हम मजे से कॉमेंट्री कर रहे थे दोनों इसका। लो यार ओपी गेम प्ले यार दोनों का, कसम से दोनों एक जैसा खेल रहे हैं। तुम लोगों ने देखा पहले चारों तरफ से ग्लोबल लगाई दोनों ने एक साथ, फिर दोनों ने एक साथ रिवाइव दिया, फिर दोनों ने एक साथ हील करके ऊपर चढ़े दोनों, फिर दोनों एकदम से बाहर निकले यार अजीब सीन लॉल। और ये देखो अभी भी दोनों एक साथ वो देखो यार लॉल। ओके तो रश कर दिया फौरन, और भाई हंटर के हेडशॉट से बच जाओ, मुश्किल है लेकिन करना है। भाई बॉस भाई डैमेज देते देते रुक गए भाई, डैमेज बहुत गंदा होगा क्योंकि तुम लोग हेड से नहीं इतना वो कर सकते, उनके पास कवर बहुत अच्छा है, इनको चाहिए कि थोड़ा सा पहले आगे आए, बहुत आला थोड़ा सा और आगे जाओ,
और भाई यहाँ पे वन टैप शायद मार दिया यार, कितने डैमेज दिया है। और यहाँ पे कर दिया यहाँ पे हमारे बोल भाई को नॉक, और उसने कर दिया लेजेंड लेजेंड टू को, हंटर भाई ने लेजेंड टू को उड़ा दिया, और जो है हमारे लेजेंड एफएफ ने बॉस को उड़ा दिया। तो लेजेंड एफएफ और हंटर की लड़ाई हो गई है यहाँ पे, लेट्स सी यहाँ पे कौन जीता है, कौन वन वर्सेस वन चल रहा है, हंटर वर्सेस एफएफ। और भाई यहाँ पे अच्छा खासा डैमेज दोनों को, हंटर की लेकिन बहुत ज़्यादा हील कम हो गई है, तो भाई लेजेंड को रश करना चाहिए लेकिन नहीं किया भाई, उसको रिवाइव करने का, हील करने का उसको टाइम दे दिया, मेडी लगा दी उसने, नहीं भाई नहीं दिया वो, देखो पीछे तो घूम के जाएगा और यहाँ पे इसको पड़ेगा, तो देखते हैं कि मारेगा कि नहीं। ओ भाई रह गया यार, शॉट मिस हो गया, शॉट बहुत ओपी शॉट मिस कर दिया, लेकिन यार क्या डैमेज दिया बंदे ने, 30 की हील बचा दी और उसकी अच्छी खासी अभी 100 की हील थे, और यहाँ पे पूरा खत्म भाई, ओपी यार नाइस। तो दोनों यहाँ पे तीसरा राउंड भी जीत चुके और बाजी पलट दी, क्योंकि भाई लास्ट राउंड था, कुछ ना कुछ तो करना था, तो लेट्स सी गाइस आखिरी राउंड रहता है, अगर डाइट नाइट जीत गई तो यार ओपी हो जाएगा, और अगर डोन जीत गई तो भाई पूछो ही मत, क्योंकि अभी 3 राउंड चल रहे हैं, इनको जीतने के लिए टोटल 4 राउंड आई थिंक, हाँ 4 राउंड ही चाहिए। तो गाइस लेट्स सी कौन जीता है, और टाइम क्या हो रहा है, 10 बज चुके हैं यार, काफ़ी लेट मैच स्टार्ट हुआ है आई थिंक। और लेजेंड एफएफ के 4 में किल बताते हैं, 4 के लेजेंड एफएफ के होगा, लेजेंड टू भाई के 2 किल होगा, वैसे तुम लोगों को किल दिख रहे होंगे लेकिन फिर भी कुछ जब कमेंट्री करनी है तो कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो हंटर भाई के यहाँ पे 9 किल, कैसे भाई कितना मार रहा है ये, और बेटा हुआ कैसे पीछे देखो जरा इसके लिखा हुआ भी 20 है, लॉल बॉस भाई फुल एम रखे हुए भाई सामने के, जैसे ही कोई आएगा हम खोपड़ी उड़ा देगा, और भाई हेड पड़ेगा तुझे, नीचे बैठ जा। हंटर को बहुत ओपी हेड पड़ने से रह गया यार, बंदा बहुत देना पड़ता भाई। ओ भाई मारो मुझे मारो यार, क्या हेड मार रहा है ये बंदा यार, और इसी तरह रश कर दिया भाई, लेट सी जोन मार पाएगी तेरी। और यहाँ पे भाई खत्म कर दिया हंटर ने दोनों को 11 किल के साथ, डार्क नाइट यहाँ पे टोटल किल कितने हो गए गिनने दो रुको, मेरी थोड़ी सी मैथ कमजोर है, 11, 12, 13, 14 ओके सॉरी मजाक कर रहा हूँ, 15 किल हो गए। और भाई सिर्फ हंटर का डैमेज चेक करो, बंदा 5000 पे पहुंचने वाला है यार डैमेज के साथ, मतलब 5000 करने ही वाला था, रह गया बस 1 किलो और होता 5000 पे हो जाता बंदा। तो भाई 11 किल के साथ यहाँ पे हंटर भाई ने जो है बुया कर लिया है, टोटल इनकी टीम ने किए 15 किल और भाई डॉन वालों ने किए 6 किल। तो यार बहुत आला, दोनों ने बहुत अच्छे खेला, कॉन्ग्रेचुलेशन टू द डार्क नाइट, बहुत ओपी गेम प्ले किया आप लोगों ने। सो ओके गाइस, आप लोगों को गेम प्ले किसका पसंद आया उसको कमेंट में जरूर बताना, और बस यार लाइक करना मत भूलना चैनल पे, अगर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक लिए बहुत ऐसे नहीं बोल दिया मैंने, चलो ओके मिलते किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ जाने से पहले मैं तुम लोगों को एक छोटी सी न्यूज़ दे देता हूँ, मेरा जो है रोस्टिंग चैनल भी बहुत जल्दी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी स्क्रिप्ट जो है तैयार हो रही है, बस बहुत जल्दी एक ओपी रोस्ट होने वाला है, तो किस पे होगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैंने एक इस पे कम्युनिटी पोस्ट भी अपलोड करी थी लेकिन काफ़ी सारे लोगों को कम्युनिटी पोस्ट शो नहीं होती, तो खैर वीडियो में बता देना अगर तुम लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिए तो। ओके गाइस टिल देन टेक केयर एंड अगेन बाय बाय।